हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक की किचन में हम बनाने वाले हैं बेसन से बनने वाला ढोकला। और ढोकला गुजरात की एक फेमस रेसिपी है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ढोकले के अंदर जो थोड़ा सा खट्टा मीठा और जो तीखा टेस्ट आता है वो हम सबको बहुत पसंद आता है। स्टीम में बनने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहता है और घर के बेसिक इन्ग्रीडियंट्स के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो में हमने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं जिससे आपका जो ढोकला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, जूसी और फूला हुआ बनेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ढोकले को बनाना। ढोकला बनाने के लिए लिया है हमने 1 कप बेसन, 1/2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा नींबू का रस डालेंगे। और अब हम इसका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। आप जब इसका बैटर बनाएं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बैटर में बिल्कुल भी लंप नहीं होना चाहिए, एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और आपको ये इस तरीके का बैटर बनाकर तैयार करना है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। और इस बैटर को बनाने में हमारा लगभग देखिए 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लग गया है और ये लगभग 1 टेबलस्पून पानी बच गया है। और हमने पानी उसी कप से मेज़र किया था जिस कप से हमने यहाँ पर बेसन मेज़र किया था। अब हम अपने इस बैटर को लगभग 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं तो हम अपने एक बड़े से बर्तन में 2.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको हम बॉईल करेंगे। और इसी पानी में हम ढोकले को स्टीम भी करेंगे। गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। अब हम अपने एक ऐसे बाउल लेंगे और उसको अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऑयल से आपको बहुत अच्छे से ग्रीस करना है जिससे कि हम जब ढोकले को डीमोल्ड करें ना तो वो इजीली बाहर आ जाए। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा बैटर भी सेट हो गया है। और लगभग 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरीके से एक ही डायरेक्शन में बीट कर लेंगे जिससे कि इसमें एयर भर जाएगी और हमारा ढोकला फूला हुआ बनेगा। हमने इसको 1 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है और बिल्कुल लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे इनो। लगभग 1.5 पैकेट हम इसके अंदर इनो डाल देंगे और इसको बिल्कुल जल्दी जल्दी से बीट कर लेंगे। इनो डालते सार ही ना ये एकदम से फ्लॉपी होना शुरू हो जाता है। ये देखिए कितना एकदम से फूल गया है। अब हम अपना ये बैटर उस बॉल के अंदर डालेंगे जिसको हमने अच्छे से ग्रीस किया हुआ है। इनो डालने के बाद आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना है और इसको 2 से 3 बार टैप कर लीजिए। और अब हम इसको स्टीम करने रख देंगे। ये देखिए पानी भी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है और हमने इसमें एक स्टैंड भी लगा दिया है। स्टैंड के ऊपर हमने अपना ये बाउल रख दिया है। गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे और इसको हमने कवर कर दिया है। लगभग 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही स्टीम करेंगे। इतने हमारा ढोकला स्टीम होगा तो इतने हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। हमने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसको हल्का गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई और इसको चटकने देंगे। राई हमारी अच्छे से स्प्लैटर होना शुरू हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची जिसको हमने लंबा लंबा पीसेस में काट लिया है। इसको हम चला लेंगे और इस समय आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिएगा। मिर्ची भी हमारे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी भुन गई है तो अब हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी। गैस की फ्लेम को अब हमने फुल कर लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। लगभग 3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चीनी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरीके से पक गया है। गैस को हम बंद कर देंगे
और इसके बाद हम इसमें आधा नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। ये देखिए पानी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और इस पानी को आप थोड़ा टेस्ट करके जरूर देखिएगा। इस पानी का टेस्ट आपको खट्टा और मीठा आना चाहिए। और इस पानी को ढोकले के ऊपर डालने से पहले हम थोड़ा सा ना ठंडा कर लेंगे, बहुत ज्यादा गर्म पानी ढोकले के ऊपर नहीं डालना है। 15 मिनट हो गए हैं, लिड को हटा कर देख ढोकला हमारा अच्छे से फूल गया है और नाइफ डालकर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन निकला है, इट मींस हमारा ढोकला अच्छे से कुक हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इस बाउल को हम बाहर निकाल कर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। हमारा ढोकला थोड़ा ठंडा हो गया है तो चलिए इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। और डीमोल्ड करने के लिए इसके ऊपर एक ऐसी प्लेट रखिए और इसको इस तरीके से फ्लिप कर दीजिए। तो ये देखिए हमारे जो ढोकले में ना जाली कितनी अच्छी आई है, ये देखिए हर तरफ से इसकी प्रॉपर जाली आई है। और इसकी अगर आप सॉफ्टनेस देखें ना, ये देखिए ये कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। ढोकला जब बिल्कुल ठंडा हो जाए ना तभी आपको काटना चाहिए, अगर आप इसको गरम गरम काटेंगे ना तो ये कई बार बिखर जाता है। और अब हम इसके ऊपर अपना ये छौंका डालेंगे जो हमने बनाकर तैयार किया था, और ये भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। इसको हमने कम्प्लीटली तैयार कर लिया है और अब हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है और जो हमने इसके ऊपर पानी डाला है वो भी ढोकले में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा ढोकला बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको कभी भी प्लान कर सकते हैं। जब भी आपका लाइट खाने का मन हो तो आप इसको प्लान कर सकते हैं और बना सकते हैं, बनाना भी बहुत आसान है। और अगर आपको ये गुजराती ढोकले की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।